YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। अभी मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी जो कि चंदन कुमार पांडे जी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले चंदन जी, आपका सिटीजन में आपका स्वागत है। नमस्कार। उस चीज़ के बारे में पूछिए, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, ये चीज़ के बारे में। वार्ड में समस्याएं तो बहुत तरह की हैं, जैसे कि नाली, सड़क, बिजली और बहुत तरह का, मतलब कि यहाँ व्यवस्था का बहुत सारा अभाव है। कनेक्शन नहीं है किसी, जैसे कि नली है तो नली का कहीं से कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई नली कहीं से कोई कनेक्टेड नहीं है। पानी का बहाव रोड पे जा रहा है, यही सब है और सब बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप ये बताइए, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अपना वोट सोच समझ कर दे। 10 साल से पंचायती राज में हम लोग रहे हैं, 10 साल लगभग रहे हैं हम लोग, मुखिया को भी देख रहे हैं, प्रमुख को भी देख रहे हैं, तो उन लोग से क्या मतलब विकास हुआ है हमारे मोहल्ला का, ये सब चीज देख कर वोट देना है। ऐसा नहीं है कि दबाव में आना है, अपना सोच समझ कर अच्छे इंसान को वोट दे। बस आप अगर जीतेंगे तो आप सबसे पहले कौन सी काम काज करेंगे? सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगी अपने वार्ड में बिजली का, बिजली, नाली, सड़क, सड़क कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सड़क का भी समस्या है, बिजली का भी समस्या है। और मैं वादा करता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको मैं जरूर पूरा करूंगा। ऐसा नहीं है कि आज मेरा इलेक्शन है इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, इस बार अगर मैं जीतता हूँ तो फिर अगली बार से आप लोग खुद मुझे वोट देंगे, जो भी ये बिजली पानी वगैरह है ये सभी चीजें का समाधान करेंगे।